बुलेटिन दा आगाज़ करदे हां। पंजाब दे वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने झूठे आंकड़े पेश कीते ने। यह सवाल उठ रहा है क्योंकि सीएजी की रिपोर्ट कुछ होर ते हरपाल चीमा कुछ होर दस रहे ने, जिस तों बाद यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या पंजाब दे वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने झूठे आंकड़े पेश कीते ने। पंजाब सरकार ने पिछले छे महीनों विच 11,464.88 करोड़ का कर्जा लिया। पंजाब सरकार दे व्याज विच 7,803 करोड़ रुपए गए ने। जीएसटी, स्टाम्प ड्यूटी, पेट्रोल, जमीन मालिया तो आमदन घटी है। जीएसटी तो आमदन में 3% की कमी आई है। इसी तरह स्टाम्प ड्यूटी तो आमदन में 2% की कमी जो है वह दर्ज की गई है। दस दें कि जमीनी आमदन में 17% की कमी आई है। पेट्रोल तो आमदन में 15% की कमी जड़ी है वह दर्ज की गई है। इस अलावा शराब तो आमदन में सिर्फ 0.2% का ही वाधा होया। कांग्रेसी आगू ते विधायक सुखपाल सिंह खेरा ने इस खबर तो बाद पंजाब सरकार नूं केरिया। सो इस बाबत जड़ा है निशाना साध्या गया अते हुन हरपाल चीमा अते आम आदमी पार्टी दे जो आंकड़े ने उसनों लैके सवाल चुके जा रहे कि क्या वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने झूठे आंकड़े पेश किए ने। दस दें कि हुण विरोधियों नूं इस नूं लैके निशाना साधन का एक होर मौका मिले। सीएजी की रिपोर्ट कुछ होर ते हरपाल चीमा के आंकड़े कुछ होर ही बयां कर रहे हैं क्योंकि आंकड़ों के मुताबिक पंजाब सरकार ने छे महीने में 11,464.88 करोड़ का कर्जा लिया। पंजाब सरकार के ब्याज में 7,803 करोड़ रुपए गए ने। लेकिन जीएसटी, स्टाम्प ड्यूटी, पेट्रोल, जमीन मालिया की जिहड़ी आमदन है वह घटी है। अजे विचकार सवाल उठने लाजमी ने। जीएसटी तो आमदन में 3% की कमी आई है। इसी तरह स्टैंप ड्यूटी तो आमदन में 2% की कमी दर्ज की गई है। कल जे जमीनी आमदन की करिए तो इस 17% की कमी आई है। पेट्रोल तो आमदन में 15% की कमी आई है। सुखपाल खेरा ने इस बाबत ट्वीट करद लिखा है जे भगवंत मान सरकार इसे रफ्तार न कर्जे जुटा जारी रखती है तो वह अपने कार्यकाल लगभग 1,00,000 करोड़ रुपए के कर्जे का वादा करेगी, जो कि रवायती पार्टियां जिन्हां ते नकली क्रांतिकारी भ्रष्टाचार के दोष लाते हैं उन्होंने नालों कितने वध है। पहले छे महीनों में इन्होंने 11,465 करोड़ रुपए इकट्ठे किए। ज्यादातर पैसा इश्तहारा खर्च किया जा रहा है। रविंदर मीत साडे नाल जुड़ चुके हैं। रविंदर, आंकड़े जिहड़े ने झूठ नहीं बोलते, लेकिन इस नूं लैके हुण क्या वाकई ही सरकार वालों झूठे आंकड़े पेश किए गए ने? यह सवाल उठने लाजमी ने विरोधियों वालों जो चुके जा रहे हैं। बिल्कुल, देखो जी हूं तक की रिपोर्ट आई है, जो कैक की रिपोर्ट सामने आई है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जिसने रिपोर्ट ने सामने की है, तो उस रिपोर्ट के साफ तौर पर लिखा हुआ कि एक्साइज ड्यूटी जिसकी सब तो ज्यादा चर्चा होंगी है, शराब पॉलिसी के उत्तों सब तो ज्यादा पैसे कमाने की गलबात सरकार वालों की जा रही है, तो उस तो महज 0.2% यानी कि अद्धे फीसद भी घट जी है आमदन कलैक्ट हुई है, यानी कि नवी एक्साइज पॉलिसी का किसी भी तरीके का कोई फायदा नहीं होया। इस तो इलावा अगर गल करिए स्टैंप ड्यूटी की गल कर लें, स्टैंप ड्यूटी के 17% घाटा होया, यानी कि रेल अस्टेट का जो कारोबार है वो लगातार घाटे से चल रहा, लगातार डुबन की कगार से है, इस कैक की रिपोर्ट के खुलासे हुए थे। इस तो इलावा जो जे टैक्स है जिन्हों को इकट्ठे टैक्स इकट्ठे किए जाते हैं, उन्होंने टैक्सों के जोड़ा है बेहद ज्यादा खुलासा होया कि कोई फायदा ज्यादा नहीं होया। जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो पूछता भी करते हैं, लेकिन जो कैक की रिपोर्ट है वो कुछ खुलासे करती है। तो निश्चित तौर पर बहुत सारे सवाल पोलिटिकल सिस्टम के उत्ते भी उठते हैं कि अगर जो आमदन हो ही नहीं सरकार ने उसका दावा किए सरकार कर सकती है। सेल्स टैक्स की गलबात कर रहे हैं, सेल्स टैक्स तो भी बेहद ज्यादा घाटा सरकार को हो रहा है, यानी कि सेल्स टैक्स की होगा जिसे तो पेट्रोल डीजल तो जो कमाई होगी और सेल्स टैक्स ऐड की जाती है, तो वो भी बेहद घाटा नोटिस किया गया। एक्साइज ड्यूटी लैंड रेवन्यू स्टैंप ड्यूटी तमाम जो चीजा है जिसे तो सरकार को रेवन्यू इकट्ठा होता उन्होंने तमाम चीजों के रेवन्यू के घाटा होया, यानी कि कलैक्शन घाटा होया। लेकिन सरकार कह रही है, हरपाल चीमा कह रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि सानू बेहद ज्यादा वाधा होया, 42% इजाफा हो गया, लेकिन इस तमाम चीजों के साफ तौर पर देख रहा कि घाटा ही देख रहा।
बिल्कुल रविंदर तुहानू रोकना चाहांगे साडे नाल सुखपाल खेरा जी आप जुड़ चुके ने उन्होंने गल करदे आ खेरा जी जिस तरह दे नाल तुसी भी इस ट्वीट दे जरिए निशाना साधिया की कहोगे तुसी क्योंकि आंकड़े अपने आप झूठ नहीं बोलते। देखो ये प्रोफेशनल लायर्स ने जी इन्हां दा जिहड़ा सुप्रीमो आ उह गुजरात विच जाके ये गल कह रहा वा कि पंजाब विच पिछले 75 साल विच जिहड़ियां पार्टियां कुछ नहीं कर सकियां सी 7 महीनियां च कीता इधर वड्डा झूठ ही नहीं हो सकता। बस उहदे चेले चापते ने हरपाल चीमा जी ते कोई जुर्त ही नहीं ना हैगी जी ते कोई अपनी इंडिपेंडेंट गल कह सके। इहनूं जिहड़े दिल्लीओं फिगर्स कोट करके बना के भेज दिंदे ने कि आह गल अज कह दे कि साडा जिहड़ा डेट रिकवरी इस तरह की होगी आ साडी जिहड़ी रेवन्यू रिसीट्स हैगियां उह इन्नियां हो गईआं ने सारे फिगर्स झूठे ने। मैं तुहाडी कैग दी रिपोर्ट देखी आ एंड अगर इहदे विच रत्ता भर दी शर्म होवे इस तरह के बंदे नूं पंजाब दे लोकां तों माफी मंगनी चाहिए। दिस इज अ कॉन्स्टीट्यूशनल पोजिशन ते कोई पिंड का कोई लंबड़दार या कोई पंच वगैरह की पोजिशन नहीं गी तैनूं इस गल का नहीं इलम हैगा। ये फाइनेंस मिनिस्टर आ और फाइनेंसिस ने सारे स्टेट का कंट्रोल करना और यह भी गल सामने आई कि इन्होंने 6 महीना चा एडा वड्डा कर्जा चुकया अगर उस स्पीड नाल कर्जा चुकणगे ये जान तो पहला 1 लाख करोड़ रुपए का कर्जे च इजाफा करके जाएंगे। सारी इश्तहारबाजी सारा अखबारों के उत्ते बाहर देश में मतलब सारे देश में महाराष्ट्र गुजरात राजस्थान जिते को पंजाबियों का सरोकार नहीं 300 बिजली यूनिट देख के इन्ना हल्ला लगाया इन्होंने। इसलिए मैं समझता कि इन्हों का जरा झूठ बोलिया जाए की समझते हो कि सरकार आने वाले दिनों अजिही कोई इस कारवाई भी कर पाएगी कभी ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਬੈਠੇ। ਦੇਖੋ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਜੁਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦਾ 18 ਦਿਨ ਦਾ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਦੋ ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਜੀ ਵਿਚਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਸਕ੍ਰੀਮੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਉਹੀ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਹਮ ਆਪਕੇ ਲਈ ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏਂਗੇ ਹਮ ਆਪਕੇ ਲਈ ਟੋਇਲਟ ਕਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰੇਂ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਦੇ ਨਹੀਂਗੇ ਜੀ। ਸੰਗਰੂਰ ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੀ ਔਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਨੀਤੀ ਕੋ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਕਿਸਾਨ ਦੋ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਧਰਨੇ 'ਚ ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਬੜੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬਾ ਹੋਇਆ ਫਸਲ ਦਾ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨਾਲ ਕਪਾਹ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰੋ। ਮੂੰਗ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ 72-75 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਿਰਫ 11% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ MSP ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਦੇਰਫੋਰ ਆਈ ਕੈਨ ਓਨਲੀ ਸੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਰਸ ਨੇ ਜੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਚੀਮੇ ਦੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਉਹ ਡਾਊਟਫੁਲ ਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਬੁਲਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀਓ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦੀਪਕ ਬਾਲੀ ਬੋਲੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖਿਆ ਆਤਿਸ਼ੀ ਆਯੂਸ਼ੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਫੀਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੈਮਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਝੂਠ ਬੁਲਵਾ ਲੈਂਦੇ ਉੱਥੇ। ਜੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੁਖਪਾਲ ਖੇਰਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੋ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਖੇਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਮ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਧਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਰਸ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਆਂਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਤਸਵੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸ ਕਦਰ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਂਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਚੀਮਾ ਜੀ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਂਕੜੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਦਿਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸੀ ਮੈਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਝੂਠੇ ਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ 23% GST ਵੱਧ ਗਈ, 21% ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵੱਧ ਗਈ ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 11,000 ਕਰੋੜ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਆਮਦਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ PRDC ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 10% ਪੈਸੇ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1,000-1,500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜੇ ਆ ਕੇ ਕਹੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਮਦਨ ਵੱਧ ਗਈ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਆਮਦਨ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ
इस करके बड़ा वड्डा झूठ सी क्योंकि इन्हां दे आदत बन गई है कि हर गल झूठी करके फिर वो दूजिया स्टेटा के जिते इलेक्शन उसे प्रचार करना। हुण भी जिहड़ी इन्हां ने ओल्ड पेंशन स्कीम जिहड़ी है उहदा ऐलान किया जी की सरकार इस समर्था दे विच है कि पेंशन स्कीम ओल्ड पेंशन स्कीम चालू कर दी, कभी भी नहीं है। लेकिन सिर्फ अनाउंसमेंट करके उहदियां झूठियां एडवरटाइजमेंट दे के दूजिया स्टेटा के अखबारां भरिया जा रही हैं कि पंजाब दे विच असीं इह गल कही सी ते असीं लागू कर दित्ती। इस करके ये बहुत 100% झूठ बोल के जिहड़ी सरकार चला रही है। अज तक नहीं कभी होया कि इन्नी ज्यादा एडवरटाइजमेंट जिहड़ी है वो सरकार ने छह महीने दी हो सैकड़े करोड़ की, तो इन्हों की एडवरटाइजमेंट सारे देश के लग रही है। मकसद सिर्फ जनता को गुमराह करना। बिल्कुल, और इसीलिए असं यह देख पा रहे हैं कि होरना सूबों के जिते जिते हूँ चोणा ने जिते कि अरविंद केजरीवाल जा रहे हैं, भगवंत मान भी पहुँच रहे हैं, उत्थे उत्थे इस तरह के दावे जड़े किए जा रहे हैं और लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर नाल गल करन लई डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा, जिन्होंने भी सरकार से जम के निशाना साधदा कि किस तरह के नाल इश्तहारां ते मशहूरियां जड़ियां करके लोगों को लगातार गुमराह किया जा रहा है। दस दिए कि जो आंकड़े सामने आए ने इस तो लैके हुण विरोधियों को एक बार फिर निशाना साधन का मौका मिले। हालांकि अपने आप को कट्टर ईमानदार कहाण वाली आम आदमी पार्टी दे कई बार जिहड़े ने झूठ बेनकाब होए ने। सुखपाल खेरा ने जो ट्वीट किया उस तो दस दिए उन्होंने लिखा है कि जे भगवंत मान सरकार इसे रफ्तार नाल कर्जे जुटाना जारी रखती है तो वह अपने कार्यकाल में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए के कर्जे का वादा करेगी, जो कि रवायती पार्टियां जिन्हां ते नकली क्रांतिकारी भ्रष्टाचार के दोष लाते ने उन्हां नालों किते वध है। पहले 6 महीनों में इन्हां ने 11,465 करोड़ रुपए इकट्ठे किए, ज्यादातर पैसा इश्तहारां ते खर्च किया जा रहा है। हरजीत गरेवाल भाजपा आगू साडे नाल जुड़ चुके हैं। हरजीत गरेवाल जी, की कहोगे तुसी? अपने आप नूं तां इह कट्टर ईमानदार पार्टी कहाउंदी है, लेकिन जो दावे ने जो आंकड़े ने वह कुछ होर कहिंदे ने, लेकिन इत्थे हरपाल चीमा कुछ होर ही दावा करते नजर आए ने। देखो, हरपाल चीमा जी का दावा बिल्कुल गलत सी ते इन्हां नूं झूठ बोलण की आदत आ। कदे भी कैबिनेट मिनिस्टर नूं इस तरह की गल करनी मैनूं तां समझ नहीं आई, पर इन्हां दे सुप्रीमो ही कर देंदे ने ऐसी गल। केजरीवाल जी और भगवंत मान जी तां सरकार दे नाल कोई बहुता मतलब है नहीं गा जी। ते मैं ये समझदा कि एक्साइज पॉलिसी च 0.2% का ही वाधा होया, जिहड़ा ये कहिंदे आ कि बहुत ज्यादा वाधा हो गया, और जिहड़ा ये बाकी काम इन्हां ने किया वह सारे दे विच ही घाटे जा रही है सरकार। और जिस तरह ये लोन लैंदे आ वह भी दिखा देंदे आ कि असीं ये कर्जा लिया ये प्रॉफिट आ साडा। ये तो मैनू नहीं समझ आता कि किस तरीके नाल सरकार चल रही आ। इहदा हरपाल चीमा जी नूं इस तां पंजाब दे लोगों कोलों और माफी मंगनी चाहीदी है। दूसरा, सही आंकड़े खुद ही रखने चाहिए सारे। हुण कैग दी रिपोर्ट तां गलत नहीं हो सकती कि उसनों भी गलत कर देणगे, उसके खिलाफ भी बोल देणगे। ये जिन्नियां भी संस्थावां ने बनिया हुई भारत सरकार दियां जां संविधानिक संस्थावां ने उन्हां सारियां ते इस तरह की टिप्पणियां करते हैं। हुण इन्हां नूं घट्टो घट्ट सामने आके माफी मंगनी चाहिए है कि मैं गलत आंकड़े दिते सी ते लोगों नूं गुमराह किया सी। इस तरह दा पंजाब दे सिरे बहुत बड़ा कर्जा चढ़ा के जाणगे। मैनूं इह लगदा कि 1 लाख करोड़ तो भी ज्यादा दा कर्जा हो जाणा इस सरकार दे दरम्यान, जो होर चढ़ जाएगा। और उसका फिर की होएगा? ये कहिंदे आ कि उह रवायती पार्टियां सी ते असीं बहुत वधिया पार्टी हां, ते इह किहड़ी पार्टी है, किहड़े इनकलाबी ने इह जिहड़े सूबे नूं होर जिहड़ा पिछे ले जाण दी गल कर रहे आ। ते मैनूं नहीं समझ आई इह इहनां दीआं गल्लां दी, ते तां पंजाब दे लोगां नूं ही समझना पैना। मैं तुहाडे चैनल दे दा वी बहुत धन्नवादी हां जिन्हां ने इस चीज़ नूं पहला सब तो पहला उठाया और लोगों नूं असली चीज़ तो जाणू सच्चाई तो जाणू कराउण की कोशिश की आ। यह भी एक बहुत बड़ा काम आ, क्योंकि अजकल मीडिया नूं इह भी नहीं करन दिंदे। मैं तुहानूं इह दस दिंदा कि कई मीडिया के लोग जिहड़े आ वो बहुत परेशान ने, जे वो सच्ची खबर देते हैं उन्होंने भी बहुत परेशान किया जाता। अज दे कहते हैं कि असं मीडिया की आजादी की गल करते हैं, ये मीडिया सब तो ज्यादा दबाने की गल करते हैं। इस करके असली गल तू सच्चाई लिया। मैं इस चैनल का PTC का बहुत धन्यवादी हाँ। ये पंजाब के लोग वाकफ होणगे इस गल तो, और उन्होंने अपनी असलियत का पता लगेगा कि सानू आम आदमी पार्टी की सरकार किथे खड़ा करन जा रही है और पंजाब नूं किहड़े नंबर ते खड़ा करन जा रही है। ये बहुत मंदभागी गल है कि सरकार साडी अगवाई कर रही है।
जी बहुत बहुत शुक्रिया अरजीत गरेवाल जी साडे नाल गल करन दे लई। सो जिस नाल निशाने विरोधियों नूं साधन दा मौका मिलिया, और क्योंकि इत्थे जो हरपाल चीमा ने वित्त मंत्री ने एक बड़ी वड्डी पोजिशन एक रिस्पोंसिबल जड़ा है उन्हां दी एक रिस्पोंसिबिलिटी बनती है, लेकिन इत्थे जिस तरह आंकड़े पेश किए गए ने लोगों नूं गुमराह करन दी एक कोशिश की गई है, जिसके चलदिया विरोधियों वालों ये निशाने हुण साधे जा रहे हैं।